मोनोटोनी आज इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सीरीज में जहाँ पे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा तो मोनोटॉनी इज अ मोनोटॉनस कोई भी चीज़ आप लगातार कर रहे हैं रिपीटिटिव नेचर का कोई वर्क हो रहा है एक्टिविटी हो रही है तो उसे इंडिविजुअल का जो मेंटल स्टेट है वो बोर्ड हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिंग मोनोटोनी इज अ स्टेट व्हेन अ पर्सन इज बोर्ड ऑफ डूइंग अ रिपीटेटिव वर्क और एन एक्टिविटी ये सिंपली एक रिपिटेटिवनेस के बारे में मेंशन किया गया है इस टर्मोलॉजी uh, के अंदर जहाँ पे ये सिंबलाइज uh, किया जा रहा है कि अगर इम्प्लॉयी भी कोई वर्क को रिपिटेटिव करते हैं या आप इंडिविजुअल भी किसी वर्क को रिपीटेटिव करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम ठीक है सो मोनोटोनी सिंपली मीन्स अ रिपीटेटिवनेस अ पर्सन परसन फील्स बोर्ड बाई डूइंग और अप्लाइंग द सेम एक्टिविटी अगेन एंड अगेन मोनोटोनस वॉज ट्राई फ्रॉम द लेटिन वर्ड मोनोटोनिया मीनिंग सेमनेस ऑफ द टोन तो बोडम से इसका क्या डिफरेंसेस है जनरली हमने फेटेक बोडम के बारे में अंडरस्टैंड किया तो मोनोटोनी uh, का उससे क्या रिलेशन या क्या डिफरेंसेस है तो बोडम एक हमारा इमोशनल स्टेट है जहाँ पे पर्सन का इंटरेस्ट ही नहीं रहता काम करने में लेकिन मोनोटोनी का क्या है मोनोटोनी यानी एक ही काम को जब बार बार रिपिटिटिव नेचर में कर रहे हैं रिपिटेटिव एक्टिविटी हो जा रही है तब पर्सन हो जा रहा है बोर यानी अब कह सकते हैं मोनोटोनिंग के बाद आता है बोरिंग सिचुएशन एंड देन होता है फिटेक सो बोर्डम इज इमोशनल स्टेट वेयर इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ रेगुलर रिलोवेशन और ट्रीटमेंट मोनोटोनी इज ए स्टेट वेन अ पर्सन इज बोर्ड ऑफ डूइंग रिपीटिव वर्क और एक्टिविटी अगर इस सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो हमारे साथ जुड़े रहे कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा स्किलिंग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी कंटेंट के बारे में और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़े रहे सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लें मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नया सीखेंगे टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड जय हिंद